हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीजीटी केमिस्ट्री साल पेपर 2019, जो आपका नोटिफिकेशन 2016 में आया था, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, वही पेपर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको वॉच जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल पर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, जीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय आश्रम पद्धर जो केमिस्ट्री की वैकेंसी अभी आई है उसकी तैयारी कराई जा रही है, टीजीटी बायोलॉजी, इन सब के लेक्चर्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे। अभी हमारे चैनल पे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध हैं, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसको जरूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर आपको एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में डिस्टिंग्विश करना है, यानी विभेद करना है, तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट दिया है टॉलिन रिजेंट, सेकेंड आयोडीन प्लस बेस दिया है, थर्ड फेलिंग सोल्यूशन दिया है, फोर्थ हाइड्राजिन दिया है। तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं कि कैसे आपका होता है। तो जो टॉलिन रिजेंट होता है जनरली वो यूज किया जाता है ओनली डिस्टिंग्विश ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए, RCOH। जो आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है वो भी एल्डिहाइड के लिए, जनरली टॉलिन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन किसके लिए होते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये वाला भी। अब बचे आपके आयोडीन प्लस बेस और हाइड्राजिन। जो हाइड्राजिन होता है जनरली केटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए यूज होता है। अगर केटोन है कहीं पे तो वहाँ पे हाइड्राजोन बनाता है, एल्डिहाइड के केस में भी क्या करता है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजोफिनोन का एंड एसीटोफिनोन का। तो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर सी है और इस एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ही और बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर ए दिया है। तो जो आपका एक ऑप्शन बी बचा है आयोडीन प्लस बेस, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आयोडीन प्लस बेस। यही आयोडीन प्लस बेस जो होता है इसी को आप क्या कहते हैं, आयोडोफार्म टेस्ट, यानी I2 आयोडीन की रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। जो आयोडोफार्म टेस्ट होता है वो ओनली कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड CH3, ऐसे कंपाउंड जिनके पास C डबल बॉन्ड CH3 है वो पॉजिटिव आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। तो आप ये याद रखेंगे कि कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड CH3 मिल रहा है तो आपका आयोडोफार्म टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप आयोडीन प्लस बेस से रिएक्शंस कराएंगे तो ये क्या करेगा, आयोडोफार्म टेस्ट देगा, जबकि ये बेंजोफिनोन क्या होगा, आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। माना आप क्या करिए हैं, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें आप एक में एसीटोफिनोन ले लीजिए और दूसरे में क्या करिए, बेंजोफिनोन ले लीजिए। आप उसमें क्या करेंगे, आयोडीन प्लस बेस डालिए एसीटोफिनोन में, तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, आयोडोफार्म निकलेगा, आयोडोफार्म बनाएगा, CH3 आयोडोफार्म देगा, लेकिन बेंजोफिनोन के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि इसमें जो भी हम टेस्ट ट्यूब में लिए हैं इसमें C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप का कोई भी मालिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड है जिसकी वजह से आयोडोफार्म टेस्ट दे रहा है, जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में डिस्टिंग्विश करना है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आयोडीन प्लस बेस से रिएक्ट कराएंगे। तो इससे कारण ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।